मैं आपको बुलाना नहीं चाहता। सोचता हूं खुद क्यों नहीं चला जाऊं, समय नहीं मिलता, थोड़ी व्यवस्था की दिक्कत हो जाती है। कुछ राज्यों में तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। नेपाल से सटा भारत का बिहार राज्य है, मैं नहीं जा पाता वहां। चल ही नहीं सकता तो जाऊंगा क्या? लोग चलने दे तब। आपके देश में आऊंगा तो जरूर। मैंने सोचा भी है कि आपके नेपाल के क्षेत्रों में घूम घूम के लोगों से मिलूं। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। आप जिस देश से आए हैं, नेपाल की धरती, वो पशुपतिनाथ की धरती, पूरा देश शिव से जुड़ा हुआ है। और पशुपति जो शिव का मंदिर है वहां मैं जाऊं, वह शिव का सबसे पुराना नाम है। आज से 10,000 साल पहले जो खुदाई हुई हम लोगों के यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, अब तो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ गया वो, उसमें जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें जो प्रमाण मिले हैं, शिव का सबसे पहले नाम वहीं पड़ा था पशुपति। शिव के बाद में आया, महादेव बाद में आया, पशुपति के बाद रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है शिव के लिए, लेकिन सबसे पहला शब्द शिव के लिए प्रयुक्त हुआ था पशुपति। आप उस धरती से आए हैं, उस पवित्र पावन भूमि से आए हैं। मैं उस देश की बड़ी इज्जत करता हूं। आपके प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है, इसीलिए कि आप उस जमीन से आते हैं, उस धरती से आते हैं जिसकी शुरुआत शिव से हुई है, और दुनिया का एकमात्र वही देश रहा है। जहां एक धर्म रहा है, जहां शिव का बोलबाला रहा है, शिव की पूजा तो आपके यहां बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अब रही शिव गुरु की बात, किताबों में तो बहुत पहले से लिखा है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, और भी बातें लिखी हुई हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के राजा हैं। लेकिन आपको ये सुन के शायद आश्चर्य होगा कि आज जो आप शिव को गुरु मान रहे हैं और शिव गुरु की बात चल रही है, इस काम को शुरू करने वाले को नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं, वो इस बात को नहीं जानता है। मुझको मालूम ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता। एक बार बिहार में एक जिला है भोजपुर, उसका शहर है आरा, वहां के श्मशान में मैं बैठा था। 1974 की बात, 1974, और 15 साल से मैं श्मशान और इधर उधर की साधना करता था बचपन से ही। मन लायक कुछ मिला नहीं, और अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। सोचिएगा, केवल ख्याल आया। अचानक 2 बजे रात में श्मशान में मेरे मन में ख्याल आया। उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ में पढ़ता था पटना विश्वविद्यालय में, कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं है। गुरु भगवान होता है
तो भगवान गुरु का ही नहीं है। और हमने भगवान को गुरु मानने को सोचा, सुना था मैंने, कुछ जानता नहीं था मैं। जैसे हम लोग भी सुनते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है, हो सकता है हम लोगों में बहुतों ने नहीं देखा हो, लेकिन जानते तो हैं। उसी तरह से मैंने सुना था कि शिव को भगवान कहते हैं, और उसी समय मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया। मुझको नहीं पता था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। मेरे फादर बहुत बड़े अफसर थे, वो अक्सर मेरी माँ को बोला करते थे कि ईश्वर शिव को कहते हैं, महेश्वर शिव को कहते हैं। ये मैं सुना करता, मतलब तो मुझको था नहीं, मैं तो श्मशान का साधक था। और शिव को भगवान समझ के मैंने गुरु बना लिया। काहे के लिए गुरु बनाए? बहुत रद्दी काम के लिए मैंने गुरु बनाया। इतना रद्दी काम अमूमन आदमी का नहीं होता है। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख मांगता है। मुझको इसकी जरूरत नहीं थी, मैं कम उम्र का था तो बेटा क्यों मांगू, शादी ही नहीं हुई थी। पैसे और भोजन की दिक्कत नहीं थी, पिताजी अफसर थे, अफसर का बेटा होने के चलते सलामी सब मिल ही जाती थी, प्रतिष्ठा मिल ही जाती थी बाप के चलते। इन चीजों की मुझको तो जरूरत नहीं थी। मेरे मुझको शौक था कि मैं चमत्कार सीखूंगा, जादू टोना सीखूंगा, और इसी के लिए 15 साल में सब गुरु के पीछे या अघोरी के पीछे या तांत्रिक के पीछे मसान वसान में घूमते रहते थे हम, चमत्कार सीखने के लिए। बस यही सबसे रद्दी काम मुझको करना था, जो कि मेरे काम की भी चीज नहीं थी, चमत्कार सीखें। नहीं सीख पाए 15 साल में तो शिव को भगवान समझ के गुरु बना लिया, मुझको मालूम नहीं। और जब शिव को गुरु बनाया तो चुप हो गया, किसी को कुछ बोलता ही नहीं। इसीलिए चुप हो गया कि महादेव तो दिखता नहीं है, इसको हम गुरु बनाए हैं, यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आदमी रहेगा तो कुछ झगड़ों कर सकते हैं, कुछ नेतागिरी भी कर सकते हैं, हम नेता भी रहे हैं कॉलेज में, कुछ नेतागिरी भी कर सकते हैं, ये महादेव से कैसे नेतागिरी चलेगा। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता था, चुपचाप उनको गुरु बनाया था। अब बैठ के रोते थे कि साला फंस गया। धीरे 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 स्थिति बदलती चली गई और 8 साल बीत गया। उसके पहले ही मैं बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया था, मजिस्ट्रेट हो गया था। 8 साल बीत गया और 8 साल में मुझको लगा कि ये गुरु है, क्योंकि मैं चमत्कार सीखने गया था, ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई बोलने वाला था, तब भी मैं सीख गया। देखिए, जब आप बहुत परेशान होइएगा, मान लीजिए 15 साल आप परेशान हैं किसी काम के और कुछ नहीं मिल रहा है, और अंत में वो चीज मिल जाती है बिना मेहनत के, तो आपको लगेगा कि हे ये आदमियां बड़ा बढ़िया है, साला कुछ मेहनत तो नहीं करना पड़ा, हमको जो लेना था सिखाइयो दी। और 8 साल के बाद मुझको लगा कि शिव गुरु हैं, ये तो सिखलाते हैं, और आप ही के नेपाल का बॉर्डर का इलाका है सुपौल और मधेपुरा, मैं वहीं मजिस्ट्रेट था मधेपुरा में 1982 में, 1982। और पहली बार मैंने कहना शुरू किया लोगों को कि तो शिव गुरु है, आप लोग गुरु बनाइए, शिष्य बनिए। पहली बार किसी को नहीं कहा, पत्नी को छोड़ के पहली बार लोगों से कहा। उनसे कहा जब मैं वहां स्कूल में पढ़ता था, सहरसा जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूं,
जब मैं वहां स्कूल में पढ़ता था तो मसान जाता था, उस समय मेरे कुछ साथी हो गए थे, दो तीन आदमी तो मसान में मिल ही जाते थे पहले, अब तो कोई मसान जाता भी नहीं। दो तीन आदमी मिल गए थे मुझको, मुझसे उम्र दराज थे, मैं तो स्कूल का विद्यार्थी था, वो लोग सहने थे। जब वहीं मैं मजिस्ट्रेट होके गया तो वो लोग मुझसे मिलने आए कि वही लड़का आया है, फिर यही मजिस्ट्रेट होके जो हम लोगों के साथ मसान में जाता था मिलने आए। मैंने उन लोगों से पूछा, आप लोग अभी भी मसान जाते हैं क्या? उन लोगों ने कहा जी जाते हैं, हम कहा बेकार जाते हैं, 40 साल से आप जा रहे हैं, शिव को गुरु बनाए। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हाकिम जानई छी महादेव गुरु छथिन, वहां की बोली में एक लाइन से ज्यादा मुझको वहां की बोली नहीं आती, हाकिम जानई छी महादेव गुरु छथिन। हमने कहा कि हमने किसी को कहा ही नहीं, तो आप जानते कैसे हैं? कहा कि जी हाकिम, सब किताब में लिखल है, सब आदमी जानै छै कि महादेव गुरु छथिन। हमका सर हम ही अभागा है, हम ही को नहीं मालूम था, सबको मालूम है कि शिव गुरु है। हम कहा कि जब जानते हैं कि शिव गुरु हैं तो उनको अपना गुरु कहे नहीं मानते हैं? जानते हैं कि स्कूल है सबसे बढ़िया, तो पढ़ते कहे नहीं है? और वहीं से ये बात शुरू हुई कि शिव को गुरु बनाए हम लोग, भगवान तो हैं ही, देवता तो हैं ही, ईश्वर तो हैं ही, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बाप हैं तो रहेंगे ही ना। उसी से पढ़ने की कोशिश करिए, उसी से सीखने की कोशिश कीजिए, वो पढ़ाता है। मैंने देखा है, वो दिखता तो नहीं है, बोलता तो नहीं है, लेकिन वो जो सिखलाता है कोई नहीं सिखला सकता, वो जो रास्ता बताता है कोई रास्ता नहीं बता सकता। यहाँ अनाउंसर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उद्घोषक बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि मार्गदर्शन देंगे, कोई आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता। अपने शिव को गुरु बनाया है, मार्गदर्शन तो शिव का होगा, आपके गुरु का होगा, आपके गुरु आपको ले जाएंगे मंजिल तक, शिव तक, शिव पद तक। गुरु का काम ही है, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पॉकेटमार गुरु के पास चले जाइए, आपको बढ़िया पॉकेटमार बना, बढ़िया दर्जी को गुरु बना लीजिए, आपको बढ़िया दर्जी बना, पहलवान को गुरु बना लीजिए, आपको बढ़िया पहलवान बना, रंजन जी को गुरु बना दीजिए, वो क्या बजाते हैं, लंबा सा है क्या, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन बजता है ये जानता हूं, आपको उसको बजाना सिखा देंगे। शिव को गुरु बनाइएगा तो आपको शिव बनाएंगे, यही नियम है, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। तो मार्गदर्शन भी तो गुरु का होता है। मैं आपको राय दे सकता हूं कि बैठिएगा कैसे, मैं आपको राय दे सकता हूं कि कमीज को पांव में नहीं पहनिए, इसको ऊपर डालिए, ये राय मैं दे सकता हूं, लेकिन शिव मार्ग में, गुरु के पथ में मैं आपको क्या राय दे सकता हूं? मुझको मेरे गुरु ने कुछ राय ही नहीं दिया, तो मैं आपको क्या दूं राय? मेरे शिव ने मुझको कहा ही नहीं, मेरे शिव ने मुझको इतना ही कहा, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, पहले पूछ लिया क्या करते हो, होशियार है वो, अकेले से कम नहीं है। कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, उसके पहले पूछ लिया क्या करते हो। हमने कहा जी लोगों को शिव से बना, तब उन्होंने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को, हमको बोले ही नहीं कि कौन क्या करेगा तो तुम क्या करना, कोई गड़बड़ी करेगा इस काम में तो तुम क्या उसको सिखाओगे, हमको कुछ बोले ही नहीं। कोई बढ़िया से शिव कार्य करेगा तो तुम उसको क्या करोगे, हमको बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं इसके अलावा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, इसके अलावा उन्होंने कुछ आज तक तो नहीं कहा है, कल क्या कहेंगे नहीं मालूम। आश्चर्य यह है कि दिखता नहीं है, उसकी बोली आप कानों से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं पूर्ण विराम कॉमा फुल स्टॉप के साथ सुन सकते हैं, लेकिन वो बोलता नहीं है और आपके कान नहीं सुन सकते, लेकिन आपका मन सुन सकता है, पूरा का पूरा वाक्य सुन सकता है, फुल सेंटेंस आप सुन सकते हैं जब वो बोलना चाहे और जब आप सुनना चाहे। तो आप तो शिव की नगरी से आए,
पूरा देश ही आपका शिव से जुड़ा हुआ है, आपको हम क्या बोले, आपको तो हमको सिखाना चाहिए। आप उस जमीन से आते हैं जहाँ शिव का बोलबाला है, उस पशुपतिनाथ की धरती से आप आते हैं, आप हमको हमारा मार्गदर्शन करिएगा कि हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, ये तो संभव ही है। और मार्गदर्शन तो गुरु का होता है, आपके हमारे गुरु शिव हैं, उनका न मार्गदर्शन होगा वही न मार्गदर्शन देंगे। मार्ग गुरु केवल मार्ग का दर्शन नहीं कराते हैं, रास्ते का को दिखलाते नहीं है, गुरु रास्ते पर चलाते हैं और चला के मंदिर तक पहुंचाते हैं। मास्टर पढ़ाता है विद्यार्थी को, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन जरा सोचिए, मास्टर विद्यार्थी को पढ़ाता है, अब विद्यार्थी फेल कर जाए तब उस मास्टर को बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? यानी मास्टर का काम पढ़ाना नहीं है, केवल पढ़ा के पढ़ाई का परिणाम भी दिलाना होता है उसको। रोगी का इलाज डॉक्टर करते हैं ना, डॉक्टर इलाज करते हैं, अरे इलाज से नहीं ठीक होता है तो हम लोग डॉक्टर बदलते हैं। यानी डॉक्टर का काम इलाज करना नहीं है, रोग को भगाना है, ससुरा जैसे भगावे, ठीक उसी तरह से गुरु का काम मार्गदर्शन केवल देना नहीं है, रास्ता दिखलाना नहीं है। गुरु का काम है कि मार्गदर्शन दें, रास्ता का दर्शन कराएं, रास्ता दिखलाएं और उस रास्ते पर चलाएं और मंजिल तक पहुंचाएं, यहां तक गुरु की जिम्मेवारी है। डॉक्टर का काम रोग भगाना होता है, इलाज तो वो माध्यम है, उनका इलाज करते हैं, बिना इलाज के भी रोग भागता है। मैं अपनी पत्नी को दिल्ली ले गया था दिखलाने, आपको पता ही है कि वह दुनिया में नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा इनकी सब दवा बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे, और 94 में फिर ठीक भी हो गई वो। कुछ नहीं, एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने कहा इनकी जितनी दवाएं चल रही हैं उसको बंद की और कोई दवा नहीं दी। तो देखिए, डॉक्टर का काम है रोग भगाना, इलाज करे चाहे इलाज बंद करे जो करे, ठीक उसी तरह से गुरु का भी काम है कि वो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, अब जैसे पहुंचाएं। तो हम लोग उसी शिव की बात कर रहे हैं जिस जमीन से आप आए, उस शिव से जुड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग जुड़ते थोड़े ही, हम लोग तो एक्सचेंज ऑफर सुने ना आजकल बहुत मार्केट में चलता है, पुरान गाड़ी ले जाइए, नया गाड़ी ले आइए, कुछ पैसा दे देंगे, एक्सचेंज ऑफर हम देंगे उधर से लेंगे। तो हम लोग भी महादेव के साथ एक्सचेंज ऑफर खेलते हैं, एक लोटा जल चढ़ाया 1600 मारी किया, काहे पंडित जी बोले हैं 1600 मारी करने से पति बढ़िया मिलता, एक्सचेंज ऑफर इतना करेंगे उधर उधर से मिलेगा। कामर लेकर जाएंगे ना 5 साल तो बेटा एक्सचेंज ऑफर, व्यापार तिजारत जिसको बोलते हैं उर्दू में। देखिए हम लोग तो व्यापारी हैं, हम लोग क्या करें, इस धरती पर आए हैं, धरती की उलझने, धरती की पीड़ा, धरती की मार तो हम लोग सहते ही सहते। तो हम लोग महादेव के पास भी जाते हैं इसी के लिए, क्या हमारा कुछ दुख कम हो जाए, हमारी सहूलियत कुछ बढ़ जाए। इसको प्यार थोड़े ही कहते हैं, इसको जुड़ना थोड़े ही कहते हैं। सावन में आप देखते होंगे कि बहुत जल चढ़ता है शिव को। मैं तो देवघर में रहा हूं, और भी जगह है इंडिया में, नेपाल में, जहां शिव को खूब जल चढ़ता है। शिव को जल चढ़ता है अपनी प्यास मिटाने के लिए, शिव की प्यास मिटाने के लिए नहीं चढ़ता है। हमारी आपकी जिंदगी प्यासी है, इसीलिए शिव को हम लोग जल चढ़ाते हैं। शिव प्यासा है ये सोच के जल नहीं चढ़ता है उनको। यदि शिव प्यासे हैं ये सोच के जल चढ़ जाए तो फिर आपकी जिंदगी में तो कोई प्यासी नहीं बची। नहीं समझते हैं हम लोग शिव को प्रणाम करते हैं अपने खातिर,
अगर शिव को प्रणाम करें प्रणाम करने की खातिर, तो फिर अपनी खातिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम लोग तो व्यापारी हैं, क्या कर सकते हैं। हमने कहा कुछ शिव को गुरु बनाओ, वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा कि प्रणाम करो तो शिव को प्रणाम करो, मतलब से प्रणाम मत करो, मतलब को छिपा के रखो, मतलब है तो क्या करेंगे, कहां फेंक दें। लेकिन कम से कम महादेव के सामने तो प्रणाम करें कि सरकार आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, तब ना वो पूछेगा काहे के लिए प्रणाम कर रहे हो यार, तो ये कुछ नहीं प्रणाम करने के लिए आए हैं। अब वो खोजे कि काहे के लिए प्रणाम करने आए हैं, काहे कि प्रणाम का नियम है जिसको भी प्रणाम करिएगा आपका शुभ चाहेगा, आपका भला चाहेगा। हम लोगों ने कहा कि उसी महादेव से अकिल लीजिए, ज्ञान लीजिए, बेटा लेते हैं अकिल नहीं ले सकते हैं, सुख लेते हैं, सुविधा लेते हैं, संतान लेते हैं, उसे बुद्धि नहीं मांग सकते हैं, उसी शिव से तो ज्ञान मांगना है जिसको आज तक हम लोग भगवान समझते रहे हैं। तो शिव तो वही है जिससे बेटा मांगते हैं, उससे ज्ञान भी मांग लीजिए भाई साहब, बिना ज्ञान के दुनिया में कोई काम नहीं। चलिए अब देखते हैं आपने क्या लिख के भेजा। पौने चार बज रहा है, आप लोग भूखे होंगे, मारियोरिएगा मत हमको। शिव के शिष्यों को भूखा रखेगा जो सारा जिंदा बचेगा। गुरु का फोटो क्यों नहीं रखा जाए, इसका विश्लेषण इसी के साथ है। कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं खाएं, भाई गुरु का फोटो यानी महादेव का ना, गुरु हम लोग का शिव ना है, शिव का फोटो रखिए, क्या रोक रहा है, क्या मना कर रहा है, प्रसादी चढ़ाइए, क्या रोक रहा है, लेकिन चंदा करके प्रसादी मत चढ़ाइए, अपने पैसे से चढ़ाइए। आज इलायची दाना जो आप चढ़ाते हैं ना, साला मेरा कुत्ता भी नहीं खाता, वो सुन के छोड़ देता, पंतुआ इतना बड़ा चढ़ा, एटम बम बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा पंतवा चढ़ाइए, महादेव तो खाएगा नहीं। हमेशा जान लीजिए जो शरीर में नहीं है वो खा नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है वो सो नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है उसको कपड़े की जरूरत नहीं है। एक बार का किस्सा सुना है, लेकिन आप लोगों को भूख लगी है, ये दिक्कत है। एक बार मेरी आदत, हाँ महिलाओं को तो उपवास की आदत थी, मधुआ संभाले कैसे, मेरी आदत थी पहले मजिस्ट्रेट था, ईमानदार मजिस्ट्रेट को तनख्वाह कितनी मिलती है, उस समय 525 रुपये मिलता था, वह 80-82 की बात। तो हमारी आदत पहले बचपन से नहीं है कि जिसको प्रसाद खिलाएंगे वो अगर नहीं खाएगा साला तो फिर नहीं खिलाएंगे, हम बचपन से इसमें जिद्दी हैं। तो जिस भगवान को हम बचपन से आज तक प्रसाद खिलाया वो खाया जरूर है, पता नहीं साला हम, मेरा प्रण है नहीं खाएगा नहीं खिलाएगा। तो हमने अपने रूम पूजा घर में महादेव को कहा कि देख बुढ़ऊ, उस समय हम महादेव को बुढ़ऊ बोलते, अपनी जबान जो मन करे सो बोलिए, बाप तो वही रहेगा गुरु तो वही रहेगा, जो संबोधन करिए उसे क्या अंतर आएगा। पत्नी को या तो उर्मिला बुलाइए या ए गे एने आओ न बुलाइए या मुन्नी के माई एने आओ न, बकवा बराबर है। तो मैं शिव को बुढ़ऊ कहता था, मैंने कहा कि बुढ़ऊ इस बात से जिस दिन तनख्वाह मिलेगी ना 20 रुपए का रसगुल्ला आपको चढ़ाने, हर महीने तो नहीं चढ़ा सकते भाई। तो कचहरी से मैं निकलता था, कोर्ट से जीप रोकता था, वहां एक दुकान थी पूरसदा नाम था, पता नहीं जिंदा है कि नहीं,
जीप रुकी, उपरसदा को मालूम था कि मजिस्ट्रेट साहब आवेंगे, 20 रुपया भेजेंगे, 50 को रसगुल्ला उनको मटपुरी में दे देना मिट्टी के बर्तन, उसको मालूम नहीं। और पब्लिक को क्या देता था हम नहीं जानते। मैं लेके आता था, 2-3 महीना तक हमको याद रहा, तनख्वाह मिलती थी, शाम में जीप रोके अर्ना होटल के सामने, पैसा भेजे ड्राइवर से, उधर से वो भेज दिया मटपुरी, ड्राइवर जीप में रखा, डेरा चले आए, महादेव को खिलाए। अब बच्चा सब छोटा छोटा था, यही अन्नू मोनू जो बोल रहा था, ये लोग खाया अपना। 1 महीना में भूला, भूल गए, आदमी है साला भूलता ही नहीं। 20 तारीख को हमको याद पड़ा कि जा बुढ़ऊ को तो इस बार मिठाई खिले भी नहीं की। 20 तारीख को खिलाते थे, 2-3 तारीख को 20 हो गया। हम कहा नीला अपनी पत्नी को, अब तो पैसा भी नहीं है, कहां से सारा खिलाएंगे, 20 तारीख तनखा खाता, अब फिर 1 तारीख को मिलेगा तब ना। हम कहा जाते हैं महादेव से माफी मांग ले कि भूला। गए पूजा घर कुंजी था, अरे ऐसे पर्दा से घेरा हुआ, ओम जी दिखे हुए, उस समय नीलम का पर्स टांग के घूमता रहता था, लौंडा छंडा था। हमका बुढ़ऊ जा हम तो भूला गए आपको प्रसाद खिलाना, इस बार दिमागे में नहीं रहा, आप तो पैसे नहीं है। उसे मैं चावल में बिछाता था और चावल पर लिखाता था, गवाह रखे हुआ हूं, ऐसा नहीं आप ही के बीच में है गवाह जो देखे हुए। उधर से लिखाया, सुनिए लाइन, छिया मैंने क्या गंदी बात बोलते हो, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा, यही पंक्ति थी, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा, तो महादेव तो खाएगा नहीं, उसको तो शरीर नहीं है। ये हमारे आपके भाव हैं और गलत नहीं है, सही भाव है, लेकिन जो आपकी चर्चा में आया है 50 आदमी उसको तो तृप्त करिएगा ना भाई साहब, तो इलायची तरह से तृप्त होगा। बड़का बड़का एटम बम रखिए, रसगुल्ला रखिए, सुंदर सुंदर गरम गरम जिलेबी रखिए, दूध उठो सब गुरु भाई को दीजिए, अगले बार पूछेगा जी कहिया आवे लाई फिर, तब आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पूछ के जाएगा भाई जी ए गुरु भाई फिर कहिया चर्चा है जरा बताइएगा। मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब, मैं फोटो रखने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब, मेरे घर में भी प्रसाद चढ़ता है, मेरे घर में भी फोटो है, और बाप की तस्वीर रखना, गुरु की तस्वीर रखना, लेकिन पूरा तस्वीर रखिए, आजकल ज्यादा मूल कटवा महादेव का फोटो आप लोग रखते हैं, मुड़िए नहीं है सर, पूरा महादेव को रखिए ना भाई फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है कि गरीब आदमी देखता है तो सोचता है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम फोटो कहाँ से लाएंगे, प्रसादी कहाँ से लाएंगे, तो उसको समझा दीजिए कि इसकी जरूरत नहीं है, भाई साहब ने लगा दिया है तो मस्ती से प्रसादी खाओ जाओ, फोटो है तो प्रणाम करिएगा ना, बाप का फोटो है तो उसको प्रसाद कीजिएगा, गजब वाला इज्जत करिएगा कि नहीं करिएगा। ये लोग जो फोटो लगा हुआ है और कहते हैं फोटो हटा, वो साले कमीना, फोटो लगवाइए नहीं, लेकिन फोटो लगा हुआ है तो उसकी इज्जत नहीं करिएगा, गजब वाला। और आप भीड़ में आरती मत करिए, बिहार में 2-3 जगह उन लोगों की साड़ी में आग लग गई है आरती के चलते, भीड़ में नहीं, अगर 5 आदमी कीजिए, 20 आदमी कीजिए आरती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 आदमी में आरती कीजिएगा तो किसी की साड़ी जल जाएगी, कुछ घटनाएं हो गई, इसको सोच समझ के करना चाहिए। मैं क्यों रखूंगा फोटो भैया, मैं प्रसाद क्यों रखूंगा, हाँ इलायची दाना चढ़ाइएगा तो कुनमुन आएंगे, हम बोलेंगे तो नहीं है कुनमुन आएंगे, रसगुल्ला चढ़ाइएगा तो खुश होंगे, रिजाज मस्त हो गया, बाकी बोला साला बकर बकर तो उससे काम मतलब हमको रसगुल्ला खिलाई। और जहां तक रात में 8 बजे चर्चा को समाप्त कर देने की बात, अगर सुरक्षा ठीक है, अगर गुरु बन ये क्यों नियम बना था, आप ही के बिहार के आप ही का जो बॉर्डर है उसी इलाके में रात में 1 बजे महिलाएं जा रही थी चर्चा से,
उनके साथ कुछ गुंडों ने बदमाशी की थी, उसके बाद से ये नियम बनाए कि 8 बजे खत्म कर दीजिए, क्योंकि गुरु बहनें दूर दराज से आती हैं, उनको असुविधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, इसलिए। लेकिन आप इस मोहल्ले के लोग बैठे हैं तो चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी करता था, जब शुरू शुरू में शिवसी से कम थे तो मेरी चर्चा खत्म होती थी 3 बजे, 3:30 बजे रात में। तो मैं क्या करता था, पहले तो सबको खिलाता था, पत्नी बनाती थी खिलाती थी, 12-15-20 आदमी रहते ही थे, खिलाता था और सबको गाड़ी में अपने बैठाता था, रात में तो ड्राइवर नहीं रहता था, अपने बैठाता, एक एक आदमी को उसके घर के दरवाजे छोड़ता था मैं, और तब 1 घंटे में गाड़ी से अपने लौट के डेरा आता था, तब आराम करता था, फिर 7 बजे सुबह से कचहरी। तो मैं खुद ही पहुंचाता था, अपने से चला के सबको घर घर पहुंचा उतारता था मैं जीप से। अगर सुरक्षा ठीक है आप करिए, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन रोज 2 बजे रात तक झलपुट्टन कीजिएगा तो दूसरे दिन बच्चे को कौन देखेगा, उसके खाना कौन बनाएगा, आप ऑफिस दुकान कैसे करिएगा सो बता दीजिए, क्योंकि रोज रात में 2:30 बज रहा है। आखिर हम लोग के तन निशाचर तो नहीं है, रात हम जगे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, सामान्य आदमी है बेचारा, वो सोता है 11 बजे तक, फिर सुबह उठता है, उसको अपना काम भी है, हम लोग तो निशाचर है, बैठिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल मसाने में रहे हैं तो हमको सोने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो सोने की जरूरत है, आपको तो और काम भी है ना, और एक दिन का रहे तो ठीक, आप तो भर नाच देखता है लोग देखता है ना, कहिए कि 200 दिन नाच देखो तो जाएगा साला, महीना 2 महीना में को नाच हो रहा चल रहे देखल जाओ, चला गया नाच देखिस भोरे आया फिर सुधा 3 बार, लेकिन इस साल कितना दिन, साल में कोनो ब्याह हुआ होगा तभी ना नाच होगा साला, रोज रोज तो होना नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। नेक्स्ट जी, कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं, के कहता है खाने को के कह रहा है खाने को, हमने तो आज तक नहीं कहा कि खाइए, ना आप मत खाइए, लेकिन खाने वाले को रोकते कहां है भाई साहब, जो नहीं खाता उसको खाने के लिए मत कहिए, मैं मत खाइए, लेकिन जो खाता है उसको रोकते क्यों है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, हम लोग गुरु नहीं है, हम लोगों के गुरु शिव हैं, जो जगत का गुरु है, समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु बनाएगा, मछली पर जीने वाले लोग भी उसको गुरु बनाएंगे, जंगली जानवरों को मार करके खाने वाले जंगलों के आदिवासी भी उसको गुरु बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि साग वालों का है वो, ऐसा भी नहीं है कि मांस खाने वालों का है वो तो सबका है, उसको गुरु बनाने के लिए कोई नियम आप बना नहीं सकते, और वही नियम नहीं, ये खाने पीने का ही नियम नहीं, लोग कहता है ना विश्वास हो तो आओ, श्रद्धा हो तो आओ, समर्पण हो तो आओ, ये भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, जिसको श्रद्धा और विश्वास नहीं है महादेव पर, वो महादेव को गुरु नहीं मानेगा। अरे वाह, अगर कोई कहे कि हमको महादेव पर कोई श्रद्धा नहीं है तो उसको रोक दीजिएगा, शिव को गुरु मानने के लिए कैसे रोक दीजिएगा, वो तो जगत गुरु है, आदमी जिस स्तर का है वो शिव को गुरु मान सकता है, वहां कोई वर्जना नहीं लगेगी, तो वर्जना का मान पूछते हैं खाली खाना पीना, कि भावनात्मक वर्जनाएं भी वर्जनाएं हैं भाई साहब, किसी को महादेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वो कहता है कि हम शिव को गुरु मानेंगे, जांचेंगे कि शिव गुरु है कि नहीं, रोक दीजिएगा, अरे उस आदमी के पास नहीं है श्रद्धा तो क्या करेगा, किसी आदमी के पास विश्वास नहीं है तो क्या करेगा, है हमको विश्वास, अरे 2 मिनट के लिए मेहरारू दूसरे मर्द से पतियाने लगती है सलाम मर्दवा का मुंह फूल जाता नहीं, जिसके साथ 30 साल रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, महादेव पर विश्वास होगा, बोले भोली भाषा हम होगा ही नहीं, अब कोई कहता हमको विश्वास नहीं, मुझको तो विश्वास नहीं था महादेव को गुरु माने थे, तुमको नहीं था, लिखा हुआ शिष्य अनुभूति में, बिना श्रद्धा विश्वास और समर्पण के भी शिव गुरु हो सकते हैं और शिष्य शिव हो सकता है, पढ़िए शिष्य अनुभूति, वर्धना के माने पूछते हैं मांसा मछली खाना, वाह,
अरे विश्वास नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, श्रद्धा नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, समर्पण नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। वहां तो कोई रोक ही नहीं है, ना भावनात्मक रोक है ना लौकिक कोई रोक है, सबको स्वतंत्रता है। अब आपका मन क्या करते हैं आप करिए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अंडा खा रहे साले मरिएगा ना, डॉक्टर जो कहता है सो करिएगा ना भाई साहब। इसीलिए कंगन पहन के आप मांस मछली बिल्कुल मत खाइए, जो खाता है वो खाएगा, इसमें हमारा तो कुछ नहीं है भैया। हर एक आदमी को, हर एक आदमी अपने अपने डिजाइन से जीता, किसी के अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। तो कैसे समझते हैं कि सब लोग एक जैसा होगा, हो ही नहीं सकता। शिव से जुड़ेगा तो एक जैसा होगा, वो भी शिव मार्ग में एक जैसा होगा, बाकी भी उसका अपने डिजाइन चलेगा। देखो भाई साहब ने खिसिया गए थे तो उसका स्वभाव है कुछ घुसाता है, कोई आदमी को कितना हो मारिए गुस्से में नहीं करेगा वो। देखो हर हरवा सांप है साला वो गुस्से में नहीं करेगा, गेहुआ सांप है फाय से मारेगा। तो हर एक आदमी का अपना, मुझको तो कोई गुस्सा नहीं आता, नहीं आता नहीं आता। वो भाई साहब को गुस्सा आता थी खराब बात थोड़ी, उस बेचारे को माइक नहीं दिएगा बिगड़ेगा नहीं, वो ठीक बिगड़ा हो कह दीजिएगा उसको माइक। हाँ चलिए और कुछ। शिव गुरु चर्चा स्थल पर फोटो लगाकर पूजा किया जाए या नहीं, ये तो हो ही गया भैया। पूजा कौन सी करिएगा, पूजा तो गुरु सिखलाते हैं, पहले गुरु के पास जाइए सीख लीजिए तो पूजा होगी। अगला है कि नमः शिवाय गुरु को प्रणाम के लिए 108 दाना रुद्राक्ष का माला क्या अनिवार्य है। हमारे मामा के यहाँ कटहल बहुत फलता है, एक बार स्टोर में 200-300 कटहल रखा हुआ बैलगाड़ी पर, उस जमाने में बैलगाड़ी पर जाके बिकेगा या कुछ होगा। हम भी मंत्र जपते थे बड़ी 15 साल यही धंधे किए हैं, 108 कटहल को घीन के हम घींच घींच के एक जगह किए, आप खुद कूद के नमः शिवाय किए सर। 108 कटहल में सोचिए सलाह, इतना बड़ा कटहल है 108 कटहल, हम कटहले का माला बना दिए सर, मकई के दाना का बना दीजिए, सलाई के काठे का बना दीजिए, रुद्राक्ष का बना दीजिए, जो चीज का मन करे सोच आदमी का बना दीजिए, मुड़ी चुका नमः शिवाय नमः शिवाय, क्या अंतर आता। अरे मतलब तो है शिव को प्रणाम करना ना, मतलब है नमः शिवाय का मानिए शिव को नमः, शिव को नमन, शिव को प्रणाम, मतलब है शिव को प्रणाम करना ना। जे जे चीज छूने का मन है छू के प्रणाम करिए, उसे क्या अंतर है, गिनती गिनना गिन लीजिए उसे क्या अंतर है। लेकिन गिनती गिनने में अगर प्रणाम नहीं हुआ तो गिनती गिनना बेकार है, क्योंकि मकसद तो है उस शिव को अपना प्रणाम निवेदित करना, अपना प्रणाम करना, नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को। चलिए नेक्स्ट। ये आखिरी है, शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। महादेव से पूछिए, शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार क्या बोल रहे हैं आप, शिव के शिष्य का आचरण और व्यवहार महादेव से पूछेगा। हम चला है अभी चला है हम कैसे बताएं, लेकिन शिव आपका गुरु है, उसकी इज्जत उसके सम्मान की कोशिश करनी चाहिए बस। आपके किसी आचरण और व्यवहार से आपका गुरु बदनाम नहीं हो जाए, ये तो हर एक शिष्य चाहता है, चाहना भी चाहिए आपको। लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए, महादेव का को चेला हुआ दुर्वासा, नहीं खड़ा हुए तो शराब, बैठे रह गए तो शराब, बोला बैठने के लिए लिहाज में नहीं बैठे तो शराब, एगो चेला हुआ कि कहा कि हड्डी की जरूरत है, कौन सी बजट बनाना है इंद्र जी को, किसको दधीची ऊ दे दिया। अब कौन सी हम बतावे कि कौन सी होना चाहिए, महादेव का चेला का कोनो डिजाइन नहीं है। आप ही के मच्छंदर नाथ नेपाली साइड के थे, सुरा और सुंदरी दोनों उनको चाहिए, उन्हीं के चेला गोरखनाथ, गोरखनाथ नेपाल के थे, गोरखनाथ जो उन्होंने कहा कि सुरा सुंदरी से हट के हमसे बात करो, छोड़ो हटो, इस कौन चीज में आपको हम मार्गदर्शन दें क्या बोलें। अरे लोगों को शिव गुरु से जोड़िए, कोशिश करिए कि लोगों को समझाएं,
और दूसरों का गढ़ा मत देखिए। गढ़ा देखिएगा तो आपकी गाड़ी गढ़े में जाएगी। यही नियम है गाड़ी चलाने का। आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हैं और सड़क से नज़र हटके अगर गड्ढे पर टिकी नज़र, तो गाड़ी और मोटरसाइकिल गड्ढे की ओर चली जाएगी। यही ड्राइविंग में सिखलाया जाता है। आप गड्ढा की झलक ले लीजिए लेकिन सड़क देखिए। इसीलिए गड़बड़ी क्या है आप देख लीजिए, अब मोहटियाँ दीजिए। सब मथवा पर बोझवा कायला ले रहे हैं, शिव के शिष्य हैं, कुछ आप लीजिए कुछ महादेव को दीजिए। जो आपको आपके गुरु ने कहा सो आप करिए, बाकी ससुरा वो करेगा। चलिए आपको प्रणाम।